तो आज जो हम रेसिपी बनाने वाले हैं वो रेसिपी जो है मलाई कोफ्ता है। तो सबसे पहले उसके लिए हम वाइट ग्रेवी बनाएंगे। उसके लिए बराबर क्वांटिटी में काजू और मगज़ इक्वल क्वांटिटी ले लें और उसकी आधी क्वांटिटी आप प्याज का ले लें। और इसके बाद आपको इसको बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद आपको इसको पेस्ट बना लेना है। बॉईल करने के बाद ये पेस्ट मेरा रेडी है। तो अब जो है हम सबसे पहले कोफ्ते बनाते हैं। इसके लिए मैंने पनीर ले लिया है कोफ्ता बनाने के लिए, और इसके अंदर मैं डालूँगा थोड़ा सा खोया, साथ में जाएगा थोड़ा सा मैदा, हल्का सा ही कॉर्नफ्लोर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, थोड़ी सी चीनी और ये इलायची का पाउडर। अब हम इसको मैश करेंगे। इसका प्रोसेस ऐसे ही है, ऐसे इसको रगड़ के मैश करना है ताकि इसके अंदर जो है गाँठे ना रहे। ऐसे थोड़ा थोड़ा इसके अंदर ऐड करते रहें ताकि जो है ये अपने आप ही बाइंड हो जाएगा, जैसे आटा आपका नीड हो जाता है। मैंने इसके अंदर कोई बेकिंग पाउडर नहीं डाला, कोई सोडा नहीं डाला। थोड़ा सा फ्लेवरिंग के लिए इसके अंदर मैं जीरा डालूंगा और थोड़ी सी चॉप्ड हरी मिर्च डालूंगा। ये हमारे कोफ्ते का जो मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है। अब मैं इसके कोफ्ते बनाऊंगा। वैसे हमारे रेस्टोरेंट में तो 33 ग्राम से करीब का कोफ्ता रहता है एक, तो हल्का सा पानी लगा लें हाथ पे। थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डस्ट कर लें। आप चाहे तो कोई भी शेप दे सकते हैं, आप ऐसे राउंड शेप भी दे सकते हैं और सिलेंड्रिकल शेप भी दे सकते हैं। बेसिकली मैं जो है सिलेंड्रिकल शेप में ही रखता हूँ कोफ्ते, वही शेप में मुझे अच्छे लगते हैं। आप चाहें तो जो मर्जी शेप दे सकते हैं। जैसे मैं कोफ्ता स्टफ़ कर रहा हूँ, ये मैंने इसके अंदर थोड़ा काजू भर दिया और थोड़ा कॉर्नफ्लोर डस्ट करते जाएं साथ साथ ताकि ये चिपके ना। ये हमारा कोफ्ता रेडी हो गया। हमें इसके लिए तेल को उतना ही गर्म करना है जितना हम गुलाब जामुन के लिए वैसे हलवाई लोग करते हैं। इसमें ज़्यादा अगर तेल गर्म होगा तो आपका कोफ्ता जो है जल जाएगा। मैंने अब इसमें कोफ्ता डाल दिया है। अब हम इसको ऐसे हिलाएंगे ताकि ये बराबर से पके हर तरफ से। इसकी आँच को मैं थोड़ा सा हल्का करूँगा। देखिए कलर आना चालू हो गया है हमारे कोफ्तों में। ये देखिए कैसे गोल्डन कलर आ रहा है हमारे कोफ्तों में। हमें हल्का सा कलर और लाना है। ये हमारे कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल रहा हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है इसके अंदर। तो अब हम मलाई कोफ्ता की ग्रेवी बनाएंगे। उसके लिए मैंने सबसे पहले लिया इसके अंदर बटर। अब मैं इसके अंदर डालूँगा खोया, जो कि मैंने करीबन 50 ग्राम लिया है। खोए के साथ ही मैं इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डालूंगा। और जो ग्रेवी मैंने बताई थी आपको, अब वही ग्रेवी मैं इसके अंदर डाल दूंगा। इस स्टेज में इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। नमक उसी हिसाब से डालिए क्योंकि बटर में भी ऑलरेडी नमक होता है, तो नमक आपको उसी हिसाब से डालना है कि एक्सेस में ना हो जाए। और ये बहुत इजी है बनाना, इसके लिए आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। थोड़ी सी कसूरी मेथी और मैं थोड़ा सा बटर और डालूंगा इसके अंदर। अप्रॉक्सीमेटली 60 ग्राम के करीब बटर यूज़ हुआ है। ये दो पोर्शन है, एक किलो के करीब ये मलाई कोफ्ता है। थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा इलायची का पाउडर, थोड़ा सा वाइट पेपर। ये अब हमारी ग्रेवी जो है रेडी है।
और अब मैं इसमें डालूंगा क्रीम, साथ ही में जो मैंने कोफ्ते बनाए थे वो मैं कोफ्ते इसके अंदर डाल दूंगा। और अब इन कोफ्तों के अंदर थोड़ा सा ऐसे छेद कर दें जिससे कि ग्रेवी कोफ्तों के अंदर तक चली जाए। ये अब हमारा मलाई कोफ्ता रेडी है सर्व करने के लिए। अब हम कोफ्ते को डिश आउट कर रहे हैं। और हम इसको गार्निश करेंगे क्रीम के साथ और ये थोड़ा सा रोगन। ये हमारा मलाई कोफ्ता रेडी है सर्व होने के लिए। और आप इसको किसी भी बटर नान या गार्लिक नान या फिर लच्छा पराठा के साथ सर्व कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और कुछ भी आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे डायरेक्ट DM कर सकते हैं। मेरी ID है chef.anirudh80। दिस इज़ नाउ chef Anirudh Sethi साइनिंग ऑफ। थैंक्स अ लॉट।